तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको योनो ऐप में रजिस्टर करना है और फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि यहां पे मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे आपको एक यूज़र नेम क्रिएट करना है, कैसे पासवर्ड क्रिएट करना है और कैसे आपको एक एम पिन सेट करना है, वो भी घर बैठे ऑनलाइन। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको योनो एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, एग्जिस्टिंग SBI कस्टमर। तो अगर आपके पास ऑलरेडी SBI अकाउंट है, एग्जिस्टिंग SBI कस्टमर पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जितने भी सिम कार्ड आपके मोबाइल में लगे होंगे वो देखने को मिल जाएगा। तो जो भी मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर किया हुआ है उस मोबाइल नंबर के सिम कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों मेक श्योर कि जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर किया हुआ है वो आपके इसी फ़ोन में लगा हुआ होना चाहिए जिसमें आप ये प्रोसेस कर रहे हैं, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, क्रिएट योर SBI इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल, अर्थात यहाँ पे आपको अपना एक यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। सिंपली आपको प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, रजिस्टर फॉर योनो विथ माई ATM कार्ड, और दूसरा ऑप्शन मिलता है रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स। तो अगर आपके पास ATM कार्ड है अर्थात डेबिट कार्ड, तो आप पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, अन्यथा दूसरे ऑप्शन के थ्रू लॉगिन करने पे आपको बैंक का ब्रांच विजिट करना होगा। तो जब भी आप SBI में अकाउंट खुलवाते हो तो अकाउंट खुलवाने के साथ ही आपको एक डेबिट कार्ड अर्थात ATM कार्ड बाय पोस्ट मिलता है। तो यहाँ पे मैं पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, रजिस्टर फॉर योनो विथ माई ATM कार्ड। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल इंटर करना होगा, जैसे कि अपना अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर रेफरल ID पूछा जा रहा है जो कि ऑप्शनल है, आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। सारा डिटेल इंटर करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक OTP भेजा गया होगा, और किस मोबाइल नंबर पर OTP आया है वो भी देखने को मिल जाता है, OTP इंटर कर देना है। अगर आपको OTP नहीं मिलता है तो आप रिसेंड भी कर सकते हो। OTP इंटर करके आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से अकाउंट डिटेल दिख जाता है, CIF नंबर दिख जाता है, आपको ट्रांजेक्शन राइट सेलेक्ट कर लेना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको फुल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने ATM कार्ड का 6 डिजिट इंटर करना है, अर्थात आपके ATM कार्ड के ऊपर 16 डिजिट का नंबर लिखा हुआ होता है, उस नंबर में से लास्ट के 6 डिजिट आपको इंटर कर देने हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके ATM कार्ड का जो ATM पिन है जिसको आप ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करते हो अर्थात 4 डिजिट पिन, वो यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। ATM पिन इंटर करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए मिल जाता है, तो आपको एक यूज़र नेम इंटर कर देना है और पासवर्ड इंटर कर देना है, और सेम पासवर्ड को इंटर करके कन्फर्म भी कर लेना है। और कैसा यूज़र नेम और पासवर्ड रखना है वो यहाँ पे आपको दिख जाता है, जैसे कि यूज़र नेम मिनिमम 3 कैरेक्टर का होगा और मैक्सिमम 20, उसमें आप नंबर्स और स्मॉल कैपिटल लेटर्स दोनों रख सकते हो। पासवर्ड कैसा रखना है, पासवर्ड रखना है 8 से 20 कैरेक्टर का, उसमें डिजिट्स, लेटर, स्पेशल कैरेक्टर सब कुछ होंगे, एटलीस्ट 1 डिजिट आपको रखना ही है, और कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों यूज़ करना है। स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ करना है, जैसे कि @ डॉलर का सिंबल, हैश, परसेंटेज, एंड, स्टार। तो अपने हिसाब से यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करके कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको इस टाइप का मैसेज देखने को मिलता है, यू हैव सक्सेसफुली एक्टिवेटेड योर अकाउंट ऑन योनो। अब आपको 6 डिजिट का न्यूमेरिक एम पिन सेट करने के लिए बोला जाता है, एम पिन अर्थात मोबाइल पिन। तो अगर आप मोबाइल पिन क्रिएट कर लेते हो तो इसका फायदा ये होगा कि बार बार आपको यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर नहीं करना होगा, बार बार आप लॉगिन करने के लिए बस इस एम पिन को यूज़ करोगे जो कि आप 6 डिजिट का सेट करते हो, तो आपके लिए लॉगिन करना आसान हो जाएगा। बार बार यूज़र आईडी पासवर्ड इंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस 6 डिजिट इंटर करके काम चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको सेट कर लेना है, सेट एम पिन पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ कंसेंट दिखेंगे, आपको टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री कर लेना है, इस पर सेलेक्ट करके और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको 6 डिजिट का एम पिन सेट कर लेना है और सेम एम पिन को इंटर करके कन्फर्म भी कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे फिर से OTP भेजा गया होगा, वो OTP यहाँ पे इंटर कर देना है। अगर OTP नहीं आता है तो आप रिसेंड कर सकते हो, OTP इंटर करके नेक्स्ट कर लेना है। इस तरह से सक्सेसफुली आप रजिस्टर हो जाते हो, ओके कर लेना है। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो, अपना बैलेंस चेक कर सकते हो और क्विक पे कर सकते हो। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, आप या तो एम पिन इंटर करके लॉगिन कर सकते हो या फिर यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे मैं 6 डिजिट का एम पिन इंटर कर देता हूँ जो मैंने सेट किया था, और इस तरह से आपका योनो ऐप ओपन हो जाता है। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको योनो ऐप यूज़ करना है।